मध्य प्रदेश में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों में इस समय आंख की बीमारी से परेशान मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो प्रतिदिन कम से कम 120 मरीज आंख की विभिन्न बीमारियों से परेशान होकर अस्पताल आ रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों में 60 से 70 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में एलर्जी और ड्राइनेस की समस्या है। एलर्जी और ड्राइनेस से परेशान मरीजों में 70% मरीजों की उम्र 5 से 17 वर्ष के बीच है। कुछ बीमारी के संबंध में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले 2 महीनों में एलर्जी से परेशान मरीजों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं बढ़ती बीमारी को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि तेज धूप का असर बच्चों की आंखों में एलर्जी के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रदूषण के कारण भी आंखों में एलर्जी होती है। गर्मी पड़ने के साथ ही शहर में धूल की समस्या पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ गई है और यही कारण है कि धूल जब आंखों में जाती है तो एलर्जी का कारण बन जाती है। एलर्जी के साथ ही आंखों में ड्राइनेस की बीमारी ने मरीजों को परेशान कर रखा है। महीने में 700 से 800 मरीज ड्राइनेस के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। वही ड्राइनेस का अहम कारण कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक समय तक इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। ड्राइनेस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के द्वारा मोबाइल का कम इस्तेमाल किया जाए, इसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इस बीमारी के संबंध में हमारे प्रतिनिधि ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज चौधरी से बात की। आइए दिखाते हैं उन्होंने इसके बचाव और बीमारी के संबंध में क्या कहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है कि यहाँ पर प्रतिदिन रोज कितने केसेस हैं जो कि ड्राइनेस और एलर्जी को लेकर, आंखों की एलर्जी को लेकर यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं? मरीज ड्राइनेस और एलर्जी के वैसे तो साल भर आते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल मई में इनकी तादाद बढ़ जाती है, जो कि कुल संख्या के 10 से 15% के करीब होता है। और सर, मार्च में अचानक ये वृद्धि क्यों देखी जा सकती है? मतलब रीवा शहर में ऐसा क्या है कि ये वृद्धि हो रही है ऐसा? इसका शहर से नहीं, मौसम से है। जब भी मौसम गर्म होता है तो सारे एलर्जीज बढ़ती हैं, ड्राइनेस भी बढ़ती है। लेकिन पिछले 2 सालों में आपको भी पता है कि जो बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, तो जो छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 3, 4, 5 के हैं, उन्हें भी मोबाइल की स्क्रीन की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, जो उन्होंने पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए ज़्यादा यूज़ करा, तो उसके कारण जो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा है। जो पहले होता था कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, वो जो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते थे उनको होता था, लेकिन अब जो छोटे बच्चे भी ऑनलाइन इतनी जो 2 साल पढ़ाई करे हैं उसके बाद उनकी आंखों में भी ड्राइनेस के सिम्टम्स बढ़े हैं। सर, तो इसको लेकर मतलब अगर एक पेरेंट्स तो बहुत चिंतित हो जाते हैं अगर बच्चों में, क्योंकि आंखों से ही हमारा सारा कार्य होने वाला है और बच्चे तो खासकर पढ़ाई करते हैं, अगर तो अगर आंखें उनकी ठीक नहीं रहेंगी तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो अगर पेरेंट्स क्या प्रिकॉशंस लेंगे या उसका बचाव कैसे कर सकता है, या इसके लक्षण, अगर आप इसके लक्षण भी बता पाएँ हमारे दर्शकों को तो अच्छा रहेगा। लक्षण जो होते हैं बच्चों में, बच्चा बार बार आंखों को छूता है, खुजलाता है, बच्चा बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन करता है, आंखों से पानी आने लगता है। जब भी ऐसे सिम्टम नज़र आएँ तो सबसे पहले वह नेत्र रोग विशेषज्ञ को बताएं कि कहीं बच्चे के आंख में कोई नंबर तो नहीं आ रहा, रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं हो गया है, चश्मे की जांच कराएं, और फिर ड्राइनेस है कि नहीं वो नेत्र रोग विशेषज्ञ देखेगा। उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए, चाहे वो टीवी देख रहे हों, चाहे वो मोबाइल देख रहे हों, उनका टाइम लिमिट हो और वो प्रोक्यूलर ऑक्युलर हाइजीन के साथ देखें। जहाँ पे वो देख रहे हैं वहाँ कमरे में प्रॉपर लाइट हो, बैठ के देख रहे हों, लेट के ना देखें। और एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं 20-20-20, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी पे देखना चाहिए। जब वो ऐसा करेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम ब्रेक होगा, जिससे आँखों को आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, खाना पौष्टिक होना चाहिए। आजकल खाने में सभी को पता है कि जंक फूड के कारण जो विटामिन ए और विटामिन B12 जो आंखों के लिए सबसे ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो यह पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह खाने में एवरीडे उनको ये चीज़ें भी इंक्लूड करें जिसमें Omega-3 फैटी एसिड, विटामिन ए और B12 ज़्यादा हो, जिससे कि उनका आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और पानी ज़्यादा पिएँ। अगर सर, अगर एक और सवाल है मेरा कि अगर इस इलाज का, अगर समय पर इलाज ना मिल पाए इस बीमारी का, तो ये बीमारी मतलब क्या रूप ले सकती है और इसमें क्या मतलब अधिकतम क्या हो सकता है? अगर इलाज नहीं होता है और ये ड्राइनेस बढ़ती है, तो ड्राइनेस के ग्रेडिंग होते हैं, तो वो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर हो जाती है। जब वो सीवियर ड्राइनेस हो जाता है तो फिर वो ऊपर से आंखों में दवाई डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उनके आंखों के आंसू बनना बंद हो जाते हैं, जो भविष्य में
30-40 की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, इसलिए उसका समय पर इलाज करना ज़रूरी है। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ प्रोफेसर पंकज चौधरी जी को, जिन्होंने हमें बताया है कि क्या कारण रहे हैं इसके। एक आखिरी सवाल आपसे और है सर, कि क्या रीवा शहर के किसी माने किसी निश्चित क्षेत्र से ये मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, या ऐसा अगर आपने कहीं नोट किया नहीं, हो? नहीं, ये ड्राइनेस तो जनरलाइज्ड है और मौसम से रिलेटेड है। धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे थे पंकज चौधरी सर ने हमें ठीक से बताया है कि आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं बच्चों की। आप और एक बात पर उन्होंने गौर कराया है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा दिखता है तो आप चिकित्सालय में जाएं और नेत्र विभाग के जो भी जानकार हैं उनसे सलाह लें कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, और ऐसे कोई दवा भी आप ना लें। हमारी तरफ से ये आपसे आग्रह है कि आप कोई भी ऐसा दवा ना लें जो कि घर पर आपको किसी ने बताया है। और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। मैं मिथिलेश, कैमरामैन विवेक के साथ।